हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल देसी फूड एंड ब्लॉग में स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? और सुबह के 5:30 बज रहे हैं और देखिए आप लोग रात को 11 बजे से ही कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी थोड़ा कम हुई है, सुबह 5 बजे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बहुत, और 4-5 दिन से लगातार बारिश ही हो रही है। बीच में 1-2 घंटे के लिए रुक जाती है, वरना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग ना। ये संडे ब्लॉग है और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, रात भर बारिश हुई थी, सुबह 10-10:30 बजे तक। तो मैं लेट से उठी भी थी और नहाने में भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने ये चना भिगो के रखा था। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया अंकुरित हुआ है। तो इसी का हमने नाश्ता बनाया हुआ था। इसमें प्याज, लहसुन, मिर्चा, काला नमक, धनिया की पत्ती, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, ये सब डाल के आप बनाइए और बहुत ही टेस्टी होता है। तो यही चना और दूध का बच्चों ने नाश्ता किया था। और यहाँ पर मैं दोपहर के खाने में बनाई थी अरवी के पत्ते वाली दाल, और ये भी बहुत टेस्टी होती है। मिक्स दाल में आप बनाइए चना, उड़द, मटर, अरहर, यानी कि मिक्स दाल में आप बनाइए, बहुत टेस्टी दाल होती है, अजवाइन लहसुन मिर्ची का तड़का लगाकर। और यहाँ पर मैं बच्चों को दूध दे रही हूँ। ये हमारे घर के पीछे का एरिया है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर वीडियो का एंड यहीं पर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। और ये देखिए, ये गुलर का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है गुलर का पेड़। और ये साड़ी हमारी पुरानी हो चुकी है पर बहुत बहुत हल्की है, बहुत हल्की है, ऐसे आप मुट्ठी में ले सकते हैं, इसलिए मुझे अच्छी लगती है और मैं पहनती हूँ। और बारिश के मौसम में तो और भी हल्की अच्छी लगती है, क्योंकि साड़ी ना मुझे साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे साड़ी नहीं साफ़ करने का मन करता है, बहुत भारी लगती है, इसीलिए मैं बहुत हल्की हल्की साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। यह है देसी सूरन के पेड़। और देसी सूरन जानते हैं आप लोग, ये दीपावली के दिन जो है देसी सूरन खाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना लोग कहते हैं कि अगले जन्म में छछुंदरी का जन्म होता है। काफ़ी पेड़ हैं, एक ये है और एक ये है, अगर आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये है, एक ये है। अब बहुत सारे पेड़ हैं इधर, लेकिन दूर दूर है, मैं वहाँ नहीं दिखा सकती आप लोगों को। कितने अच्छे अच्छे पत्ते हैं ना, ये सब कहते हैं कि अरवी के पत्ते पर पानी नहीं रुकता, तभी तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है रात से, रात को 12 बजे से, अभी थोड़ा 9:45 या 10 का टाइम हो रहा होगा, बंद हुआ है पानी, लेकिन रात से कंटिन्यू बहुत तेज़ बारिश हुई है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि पत्ते पर एक भी बूंद पानी नहीं है। और यही पत्ता हमने दाल में डाला है, तो देख लीजिए अरुई की खेती, अरुई, हम लोग अरुई बोलते हैं, घुइया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर गांव की वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो के आने वाले
नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें और हमारी वीडियो को देखने का लाभ उठा पाएँ आप लोग। और मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं क्या बोलूं आप लोगों से, गुड आफ्टरनून बोलूं कि गुड मॉर्निंग बोलूं, तो ना ये दोपहर का समय है और ना ही सुबह का समय है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।